पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को 4 मई को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। आपने अब तक इसके खौफ के कई किस्से सुन लिए होंगे, लेकिन मैं आपको इसके लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाला हूं। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के तहत आने वाले दुजाना गाँव का रहने वाला अनिल दुजाना लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहता था। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। आसपास इंडस्ट्री एरिया होने के बावजूद उसने नौकरी में कभी दिलचस्पी नहीं ली और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी के लिए अवैध सरिये का कारोबार करने लगा। इस दौरान वो 10,000 से लेकर 25,000 तक के जूते पहनता था, 1.5 लाख से ज्यादा की घड़ियां पहनता था। महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक था, इसलिए वो लाखों की गाड़ियों में भी घूमता था। उस वक्त उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। करोड़ों रुपए कमाने के बाद उसे नाम कमाने की भी ललक लग गई। अनिल दुजाना गैंग 2010 के बाद इतना मजबूत हो गया कि जिले में विवादित प्रॉपर्टी के फैसले एक तरफा सुनाने लगा। नोएडा गाजियाबाद से लेकर एनसीआर के तमाम व्यापारी और लोग अपनी विवादित प्रॉपर्टी के विवाद को सुलझाने के लिए अनिल दुजाना के पास पहुंचते थे। वो विवादित प्रॉपर्टी की कीमत के आधे रुपए लेता था और दूसरी पार्टी को धमकी देकर फैसला करा देता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल दुजाना के जिले में 100 से ज्यादा प्लॉट और 150 बीघा से ज्यादा जमीन होने की चर्चा है। जीटी रोड से लेकर सिकंदराबाद, गाजियाबाद, नोएडा समेत तमाम जगह उसके प्लॉट गुर्गों के नाम पर है। कई प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो उसके नाम पर हैं और हर महीने लाखों रुपए का किराया अनिल दुजाना उनसे वसूलता है। छपरा और आसपास की कंपनियों से वसूली ट्रांसपोर्ट स्क्रैप के ठेके उसके गुर्गे के नाम पर थे। इसके साथ ही छपरा और आसपास की कंपनियों से वसूली और ट्रांसपोर्ट स्क्रैप के ठेके भी उसके गुर्गों के नाम पर ही थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।